खरगोन जिले के कसरावत तहसील में गत दिनों आंधी तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की चौपट हुई खड़ी फसलों को लेकर बुधवार राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर किसानों को मुआवजे देने, फसल बीमा की एकड़ पीछे राशि बढ़ाने की मांग की। ज्ञापन सौंपे जाने से पहले मुकेश पाटीदार ने प्रशासन के समक्ष किसानों के प्रति मंशा अपने विचारों के रूप में जाहिर की। मुकेश पाटीदार ने ज्ञापन का वाचन किया। ज्ञापन में कहा कि बेमौसम बारिश और मानसूनी हवाओं के सक्रिय हो जाने के बाद समूचे अंचल के कई गाँवों में भयावह आंधी और ओलावृष्टि की स्थिति बन गई थी, जिसके कारण ग्रामीण अंचलों में गेहूं एवं चने सहित रबी की कई लोगों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। इनमें से अधिकतर किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह जमींदोज होकर चौपट हो चुकी है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ऐसी स्थिति में इस आदिवासी अंचल के गरीब कृषकों और मध्यम वर्ग के परिवारों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये अभी 18 तारीख को जो बारिश हुई थी और ओलावृष्टि हुई थी, इस वजह से कसरावत तहसील के सभी किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो शासन से हमारी उचित सर्वे और राहत राशि के लिए SDM साहब को ज्ञापन देकर सरकार, राज्य सरकार से मांग की है। क्या अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ क्या? सर्वे कुछ ग्रामों में बहुत धीमी चाल चल रही है। हमारे खामखेड़ा के कुछ किसान भाई आए हैं, अभी तक उनके खेतों में 5 रोज हो गए, कोई राजस्व का कर्मचारी अधिकारी नहीं करा और 5 रोज के बाद उनकी फसलें कट जाएगी, तो अब कैसे शासन मुआयना करेगा कि कैसा इनको नुकसानी का पैसा दिया जाए। Subscribe now to most exciting channel ever.